हेलो वीवर, मसीह में आप सबकी सलामती हो। वीवर, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त क्रिसमस का सीज़न है और क्रिसमस का सीज़न दुनिया भर में बहुत जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। और जैसे कि दुनिया भर में जोश खरोश से मनाया जाता है, उसी तरह पाकिस्तान के मसीही भी पूरे दिली जोश और जज्बे और दुनियावी तैयारियों के साथ, पूरे अहतमाम के साथ इस दिन को मनाते हैं। कराची पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है और इस वक्त हम लोग कराची शहर में मौजूद हैं। विवज़, यहाँ भी दुनिया के तमाम ममालिक की तरह, दुनिया के तमाम लोगों की तरह, ना सिर्फ यहाँ के मसीही जो हैं वो दिली जोश और जज्बे, अकीदत और एहतराम और पूरी तैयारियों के साथ इस दिन को मनाते हैं। क्रिसमस का सीज़न है, हर तरफ क्रिसमस के प्रोग्राम्स की गहमा गहमी है। आए दिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मेगा इवेंट्स का अरेंज किया जा रहा है। उन्हीं प्रोग्राम्स का एक हिस्सा अभी हम लोग ऑर्फनेज में मौजूद बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए कुछ प्रोग्राम्स अरेंज कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रायन। ब्रायन ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया है जहाँ पे ऐसे बच्चे जो दुनिया की दूसरे लोगों की तरह, उनके पास वो तमाम सहूलियात मौजूद नहीं हैं जो दूसरे लोगों के पास हैं, उनके पास माली मुश्किलात के बायस वो सहूलियात नहीं पहुँच सकती। ब्रायन ने बहुत मेहनत करके, बहुत से लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करके, तो उन्होंने डिस्कशन करके उनके लिए एक मेगा इवेंट का अरेंज किया है। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं कि ये सारे इंतजाम उन्होंने किस तरह किए। ब्रायन, कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू फॉर कमिंग एंड कवरिंग द प्रोजेक्ट लाइक, एंड आई एम थैंक यू दैट यू बी अ पार्ट ऑफ अस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू द ऑलमाइटी एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर सलीम राजपूत। ही इज ऑलवेज अ पर्सन इन द बैड टाइम्स, एंजल विदाउट अ विंग, and I would love that he doesn't have a wings, otherwise he'll fly away. I always think that way. He's doing a great work, and last time also he stood with us to organize this program. It's for the orphan children, for the special children, and for the old age people. I would love Salim bhai will tell what he's going to do and how he's going to do it. Viewers, is waqt hamare sath Salim Rajput sahab maujood hain, jo ke businessman hain, unka business hai aur wo apne business mein se वक्त निकाल के ना सिर्फ अपना वक्त उनके लिए ज़रूरतमंद बच्चों के लिए दे रहे हैं, बल्कि अपने जेब से भी उनके लिए बहुत सारी जो सहूलियात हैं वो फ्राहम करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनको किस किस मुश्किल का सामना करना पड़ा और कितने लोगों को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया है। कैसे हैं भट्टी साहब आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, और थैंक यू रुखसाना और सारी बीटीएल टीम। सबसे पहले तो हम जिस प्रेमिसेस में बैठे हैं सल्वेशन आर्मी के, और आज असेंबली ऑफ गॉड का एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम मुनक्कत हुआ है, जिसमें बल्दिया टाउन की जो सारी कलीसिया है जो यहाँ पे वीकली बेसिस पे अपनी इबादत का सिलसिला करते हैं, और आज उन्होंने अपनी कलीसिया के साथ मिलकर यहाँ पे क्रिसमस डिनर किया और इबादत की, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। इन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं कि इतना ज़बरदस्त इनका प्रोग्राम हो गया। अच्छा, जिस तरह से आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि बिज़नेस तो हम करते हैं, लेकिन साथ में हम पिछले 15-16-17 साल से पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन के नाम से हम पूरे सिंध में हम काम करते हैं। जब भी कोई फ्लड आता है या जब भी कोई ऐसी कोई इश्यूज़ आते हैं हमारी कम्युनिटी में, हम उनको रिजॉल्व करने की हमारी पूरी टीम है। जैसे गुजरे वक्त COVID-19 में हमने काम किया, ब्रायन हमारी टीम का हिस्सा थे, हमने शहर भर में और इंटीरियर सिंध में हमने सारा काम किया। इस दफ़ा जो हमारा 18 दिसंबर को जो प्रोग्राम है, जो हम एक क्रिसमस डिनर करने जा रहे हैं, ये सारे वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, ब्रोकन फैमिली से इनका ताल्लुक है, और ये हॉस्टल लाइफ गुजारते हैं पूरा साल, और हमने इनके लिए एक बेहतरीन एक क्रिसमस डिनर का अहतमाम किया है सेंट पैट्रिक चर्च कराची में, जिसमें हम इनको जो है वो एक ऐसे खाने जिनके माँ बाप होते हैं और बच्चे अपने माँ बाप से एक फरमाइश करते हैं कि हमें ऐसा सा खाना चाहिए जी, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसी मियार का खाना हम उनको प्रोवाइड करें, उनको हम तोहफे दें, उनको हम गिफ्ट्स दें, उनको हम ईदी दें, और उनके साथ हम एक क्रिसमस का जो पूरा एक प्रोग्राम है वो सेलिब्रेट करें। इसमें काफ़ी सारे हमारे डोनर्स भी आ रहे हैं जिनके साथ हम लगातार काम कर रहे होते हैं, और हमारी पूरी टीम है 12 लोगों की, जिसमें
नवीद राजपूत हैं, जिसमें निदा बशारत हैं, जिसमें मिस सुनीला हैं और जिसमें ब्रायन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन की पूरी टीम हम मिलकर ये काम कर रहे हैं। साथ में बच्चों के साथ हम उन जो अर्फन एज सेंटर्स हैं उनके हम असातज़ा हैं, टीचर्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो सब आएंगे तो वो भी हम उनको भी बच्चों की तरह पूरी उनको भी तहफ़ देंगे, उनके साथ ज़बरदस्त किस्म का सारा मामला करेंगे। और ये है कि उन तमाम साहिब जो हैसियत हमारे लोग हैं उन सबसे गुजारिश है कि आप उस प्रोग्राम को अटेंड करें, देखें ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। बाकी हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं, उस रब पाक की कुदरत से सारे इंतजाम हो गए तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा। थैंक यू। मैं एक तो बात कहूँगा कि यार आप हमारे लिए दुआ करें कि ऐसी आगे हम एक साथ के साथ काम कर सकें, क्योंकि देखें हमारी कम्युनिटी को एक साथ होना पड़ेगा और आप साथ मिलके काम कर सकें। और मैं अपनी टीम को सलीम भाई, निदा, सुनीला, नवीद, मकबूल भाई फ्रॉम द FM, ज़ेबा शनाज, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर, पुटिंग द एफर्ट्स इन इट। लेट्स वर्क टुगेदर ऑन ऑनेस्टली एंड लेट्स प्रमोट आवर कम्युनिटी अप अगेन बैक। आई वुड लव पीपल टू प्रे फॉर इट एंड लेट्स वर्क टुगेदर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया ब्रायन आपका। व्यूअर्स, जैसा कि इन्होंने कहा कि आप सब लोग दुआओं में इस प्रोग्राम को भी याद रखिएगा और इनके आइंदा जो प्रोग्राम्स जो ये काम करने जा रहे हैं उसके लिए भी इनको दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में हम सबको भी बी द लाइट टीवी को याद रखें, खुशियां मनाएं, खुशियां बांटें और खुश रहें। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.